हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, Redmi नोट 10 सीरीज के बारे में तो आप सभी को पता है, चाहे वो Redmi नोट 10 हो, 10 प्रो हो या 10 प्रो मैक्स हो, सारे के सारे स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है। एंड यहाँ पर इंडिया में काफी ज्यादा सेल हो रहे हैं। अब Redmi भाई रुकने वालों में से नहीं है। Redmi ने डिसाइड करा है कि भाई इसका भी अपग्रेडेड वर्जन Redmi नोट 10 सीरीज में लॉन्च करने वाले। बताया जा रहा है 3 स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च होने वाले, Redmi नोट 10 5G, Redmi नोट 10 प्रो 5G और Redmi नोट 10 अल्ट्रा 5G। बताया जा रहा है 3 स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी जो है Redmi लॉन्च करने वाला है। इनफैक्ट इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट भी यहां पर निकल के आ चुकी है। एंड जो अल्ट्रा वाला वेरिएंट है उसके कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह भी यहां पर लीक हो चुके हैं। सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप पर अप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से बता दो यार, कल के दिन हमने जो है सैमसंग गैलेक्सी F52 5G स्मार्टफोन जो लॉन्च हुआ है उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाए थे। 22,000 रुपए की रेंज में काफी तगड़ा स्मार्टफोन है। वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में दे दिया और लिंक जरूर से ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Redmi नोट 10 सीरीज के जो 5G वेरियंट है कब लॉन्च होंगे, कहाँ लॉन्च होंगे। तो ऑफिशियल लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो 26 मई के दिन ये चाइना में 3 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। बताया जा रहा है Redmi नोट 10 5G, 10 प्रो 5G और 10 अल्ट्रा 5G करके 3 स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे 26 में। ऑफिशियल यहां पर लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। अब जो अल्ट्रा वाला वेरिएंट है उसका फर्स्ट लुक एंड कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह यहां पर लीक होगा। इनफैक्ट जो प्राइस पॉइंट है चाइना की वो भी यहां पर लीक हो चुकी है। अगर बात करें इसके फर्स्ट लुक के बारे में तो आप देख सकते हो बैक पैनल कुछ इस तरीके का दिखाया गया है। जो इंडिया वाला जो कैमरा मॉड्यूल है यहां पर आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। कलर भी यहां पर काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है जो अल्ट्रा वाला वेरिएंट है वहां पर आपको 6.53 इंच का सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलेगा। काफी बढ़िया बात है। 6GB 8GB अलग-अलग वेरिएंट्स मिल जाएंगे। एंड जो टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट अल्ट्रा में जो है बताया जा रहा है डायमेंसिटी 1100 वाला चिपसेट आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। एंड आप बोल सकते हो एक फ्लैगशिप किलर टाइप के चिपसेट के साथ में यहां पर ये स्मार्टफोन को लॉन्च करा जाएगा। बहुत ही बढ़िया है। 12 5G को भी इनफैक्ट यहां पर ये सपोर्ट करता है। बताया जा रहा है 108 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलने वाला है। 16 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सल के आसपास के आपको सेल्फी देखने को मिल सकती है। एज वेल एज MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। डुअल स्टीरियो स्पीकर, आयर ब्लास्टर और सारी फीचर जो Redmi देता है वो सारी चीजें भी मिलेगी। 5000mAh की बैटरी बताया जा रहा है देखने को मिलेगी 33 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ में। तो जो Redmi Note 10 Ultra 5G स्मार्टफोन रहने वाला है काफी धमाकेदार रहने वाला है। इसकी प्राइस पॉइंट भी लीक हो चुकी है चाइना वाली। बताया जा रहा है चाइना में जो इसका बेस वेरिएंट है 6.28 1799 युआन में लॉन्च होगा। अगर आप इंडियन प्राइस पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो 20,000 रुपए के आसपास आता है। एंड वो प्राइस पॉइंट पर अगर ये लॉन्च होता है लिटरली मार्केट में आग लगा देगा। जो Redmi Note 10 Pro Max जो हमें इंडिया में मिलता है, पहली बात तो 4G है, प्रोसेसर भी अगर आप देखोगे डिसेंट वगैरह है, लेकिन Dimensity 1100 5G के साथ में इतना धमाकेदार स्मार्टफोन 20,000 रुपए की रेंज में आउटस्टैंडिंग है। अब आप सोच रहे रहेंगे कि ये चाइना में लॉन्च हो जाएगा उसके बाद में क्या ये इंडिया में हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यस, इंडिया में डेफिनेटली बताया जा रहा है लीक्स के अकॉर्डिंग आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। अब Note 10 सीरीज में आएगा नहीं आएगा ये 50-50 है। कहीं जगह पे बताया जा रहा है कि पोको की ब्रांडिंग के साथ में आएगा, कहीं जगह पे बताया जा रहा है ये एमआई की ब्रांडिंग के साथ में इंडिया में देखने को मिलेगा। एंड Redmi की ब्रांडिंग के साथ में अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता Redmi की ब्रांडिंग के अंडर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी Redmi Note 10 सीरीज में हमें 4 स्मार्टफोन इंडियन मार्केट्स में मिलते हैं तो सेम नाम के साथ में बिल्कुल खिचड़ी पक जाएगी। तो मे बी मी ब्रांडिंग के साथ में जैसे कि मी 10 आई वगैरह आया था, मी 11 आई के नाम से लॉन्च कर दे या पोको में पोको F3 GT के नाम से लॉन्च कर दे, कुछ भी पॉसिबल है भाई। Redmi वाले कुछ भी यहां पर कर सकते हैं। एंड इंडिया में हमें कब देखने को मिल सकता है तो 26 मई को तो ये स्मार्टफोन जो है चाइना में लॉन्च होने वाला है, तो इंडिया में पकड़ के चलो 2-3 महीने बाद ही आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये कंप्लीट डिटेल्स एंड लीक्स वगैरह की वीडियो थी, क्योंकि डेफिनेटली मैं सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करना तो बनता है। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 20,000 रुपए की रेंज में Dimensity 1100 वाला चिपसेट, 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले और जो सारे फीचर जो हमने आपको स्पेशली अल्ट्रा वाले स्मार्टफोन के बताए आपको कैसे लगे एंड आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है यहां पर ये स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को लेके, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।